सवेरा में वक्त है उत्तराखंड की अहम खबरों पर नजर डालने का। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं रुड़की से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर बवाल का एक पूरा मामला है। कोर्ट के आदेश पर 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। दूसरे पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, 22 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 16 अप्रैल को जलालपुर गांव में बवाल हुआ था, जिसके बाद से कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। आप देखिए, दूसरे पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है कोर्ट के आदेश पर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। 22 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तारीख 16 अप्रैल की है, जब जलालपुर गांव में बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, पथराव हुआ था, उसके बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। वही चारधाम यात्रा में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक 45 तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है। ये तब है जब अभी फाइनल डाटा आना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग मौतों की सही जानकारी नहीं बता रहा है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन भी जारी नहीं किया है। ये बेहद चिंताजनक है कि 3 मई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा में कितनी जाने गई हैं, इस आंकड़े पर भी स्पष्टता नहीं है, धुंधली परत है। और कहा जा रहा है कि ये आंकड़े 45 से ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि अभी स्वास्थ्य विभाग के पास सही जानकारी नहीं है। और वहीं आज श्री हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना होगा। 22 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल, और पहले जत्थे को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना करेंगे। ऋषिकेश से दोपहर 12 बजे पहला जत्था रवाना होगा। पहले जत्थे में तकरीबन 150 श्रद्धालुओं को रवाना किया जाएगा। ऋषिकेश से रवाना होकर पहला जत्था श्रीनगर रुकेगा, उसके बाद आगे की यात्रा पर उन्हें रवाना किया जाएगा। यानी 2 पड़ाव के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी। ऋषिकेश, फिर श्रीनगर, फिर वहां से हेमकुंड साहिब, पहला जत्था 150 लोगों का। चंपावत विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। सीएम धामी की पत्नी से लेकर कैबिनेट मंत्री तक सभी उनके प्रचार में जुटे हुए हैं और सीएम धामी की जीत का हर कोई दावा कर रहा है। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और पूर्व विधायक पूरन सिंह ने भी सीएम धामी की जीत का दावा किया है। की तरफ से एक बड़ा मैसेज ये गया है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनने जा रहे हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ साथ में अपने बेटे को भी चुनने जा रहे हैं, जो उनकी चिंता बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उनका अपना पुत्र अपने घर के लिए चिंता करेगा। तो मैं समझती हूँ कि एक साफ संदेश गुण से है कि यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके बेटे के रूप में 100% जो है यहाँ से मत प्राप्त करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। मतों से इससे पूर्व में मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं, उनका सबका रिकॉर्ड टूटेगा और ये लोगों के से हमें विश्वास आ रहा है और लोगों के उत्साह को देखते हुए है। जो दूरस्त क्षेत्र के गांव हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनको भी आस है कि मुख्यमंत्री को चंपावत से विधायक बनने के बाद और हमारे काम होंगे और उनको आशा है। इसी की वजह से जनता खुद उबड़ रही है उनके समर्थन से। चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई। और देखिए, मदन कौशिक ने मुलाकात के बाद ये कहा है कि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और चंपावत में भाजपा की ही जीत होगी, ये तय है। हमारे शक्ति केंद्र है, उन शक्ति केंद्रों का इंचार्ज और उन शक्ति केंद्रों के नीचे बूथ की हमारी पूरी टीम और बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, यानी कुल मिलाकर संगठनात्मक ढांचा एक मजबूती के साथ खड़ा किया है। माहौल बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री के प्रति सब लोगों का एक है कि अब चंपावत का विकास शायद उन लोगों की जो भावना है वह मन में है कि चंपावत का विकास होगा, एक विश्वास है, संकल्प है इस रूप में। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बीजेपी की। अब आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर से खबर है। 2 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए उपचुनाव आज होना है। शक्तिगढ़ और केलाखेड़ा में आज मतदान होगा और दोनों नगर पालिका में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए वोटिंग का वक्त है। शक्तिगढ़ और केलाखेड़ा में आज मतदान होना है और दोनों ही नगर पालिकाओं में मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर के बाद पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग भी हो जाएगी।
होगी और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे, 7:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और शाम के 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। देहरादून से खबर है, आज सीएम धामी बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बजट पर मुख्यमंत्री बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बजट पर चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि बजट जारी करने से पहले सरकार जनता से राय शुमारी कर रही है। इसी प्रक्रिया में तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया गया है आवास पर। उनसे चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, तब जाकर के बजट पेश किया जाएगा। और देखिए, आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बहुत बड़ा झटका लगा है। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से अलविदा कर दिया है। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे और उन्हीं की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव भी लड़े थे मगर चुनाव जीत नहीं पाए थे। उधर कपकोट सीट से भी आपके टिकट पर चुनाव लड़े। भूपेश उपाध्याय ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इस तरीके से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी, जो कि राजनीतिक कह सकते हैं कि सरजमी तलाशने की कोशिश में थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और सीएम की चेतावनी के बावजूद सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की मनमानी उत्तराखंड में लगातार जारी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम धामी ने देहरादून के आरटीओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। बिल्कुल, इस मौके पर ज्यादातर कर्मचारी जो थे वो नदारद मिले। इसके बाद सीएम ने आरटीओ दिनेश पटोई को सस्पेंड कर दिया। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम पुष्कर सिंह धामी औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएम का पारा तब और गर्म हो गया जब आरटीओ दिनेश पठोई खुद भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सीएम ने मुख्य सचिव से फौरन फोन पर बात की और आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया। मैं उसे उन्हें भी कहा था कि हम जो है वहाँ गए थे सर्विस में, तो एक तो इसमें खड़ा एक्शन जो है इस पर, एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दिया और जो भी लोग नहीं आए उनकी सैलरी रोकी, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह बाकी है। इसके साथ ही सीएम ने उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। 14 से 15 कर्मचारी ऐसे थे जो वक्त पर कार्यालय नहीं आए थे। लोग नहीं आए उनकी सैलरी रोकी, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह बाकी है की। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये कुर्सी खाली नजर आ रही है, इस पर बैठने वाले अधिकारी नदारद है। उधर ऑफिस में सन्नाटा नजर आ रहा है, पूरा ऑफिस खाली है, कर्मचारियों के केबिन खाली पड़े हुए हैं। चूंकि हमने सभी दफ्तरों के लिए कहा है कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका किसी का 9:30 बजे किसी का 10 बजे का टाइम है, जो भी इस टाइम पर नहीं आ रहे तो हमने कहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आज मैं आरटीओ में आया हूँ, चूंकि यहाँ से कुछ शिकायतें हमको मिल रही थी कि समय इस पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं, तो मैंने परिवहन सचिव आए, चीफ सेक्रेटरी दोनों को कहा है कि जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। टाइमिंग रही सब ठीक था? अब जो लोग नहीं आए दफ्तर उनका रजिस्टर ले लिया है, उसकी जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बेहतर। सुबह के 11 बजे तक भी आरटीओ दफ्तर में कुछ ही चुनिंदा लोग पहुंचे थे। एआरटीओ द्वारिका प्रसाद दफ्तर में जरूर मिले, कर्मचारियों के समय से ऑफिस न आने पर भी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री ने कुछ ही रोज पहले साफ निर्देश दिए थे कि सभी कर्मचारी समय से दफ्तर पहुंचे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सख्ती से लागू करवाया जाए, मगर मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद भी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। जाहिर है सीएम के इस निरीक्षण से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो देहरादून के आरटीओ दिनेश चंद पठोई पर कार्रवाई हुई है और इस पर उनकी सफाई भी आई है। दिनेश पठोई ने कहा कि वो तो विकास नगर में शासकीय काम काज निपटाने के लिए गए थे।
बिल्कुल, और इसीलिए आज ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने सफाई दी। दिनेश पटोई का कहना है कि एक बजे से विकास नगर में वाहनों की नीलामी होनी थी, जिस वजह से वो दून ऑफिस पहुंचने के बजाय सीधे विकास नगर के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें आरटीओ दफ्तर में कुल 29 कर्मचारी नियुक्त हैं, जिस पर सीएम दफ्तर जिस वक्त पहुंचे तो 29 में से 21 कर्मचारियों की उपस्थिति की बात कही जा रही है। मैं उस समय विकास नगर ऑफिस में नीलामी के कार्य के लिए प्रस्थान कर चुका था, तो मैं मौके पे नहीं था। मैं प्रेमनगर के आसपास था, वापसी जब मुझे सूचना मिली मैं तुरंत वापस की तरफ गया हूँ। अपने जो सचिव हैं और अपने जो परिवहन आयुक्त हैं उनको मैं वस्तुस्थिति से अवगत करा चुका हूँ। जहाँ तक उपस्थिति की बात है तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे कार्यालय से कई कर्मचारियों की ड्यूटी इस समय चारधाम यात्रा में लगी हुई है, क्योंकि वो चारधाम यात्रा ड्यूटी कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति कार्यालय में संभव नहीं है। बाकी जो तथ्य सामने आएंगे, सीनियर ऑफिसर हमारे परिवहन आयुक्त महोदय और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी महोदय ऑफिस में थे, उन्होंने सारे रिपोर्ट निकाल लिया। रुद्रप्रयाग में कुंड चोपता गोपेश्वर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। नेशनल हाईवे के संसारी के पास ध्वस्त होने से निर्माण काम किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इस वजह से ये ध्वस्त हुआ। लेकिन निर्माण काम में तेजी नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान। लोगों का कहना है कि पहले तो कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक उनका कारोबार ठप रहा, वहीं अब सड़क बंद होने की वजह से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। लोगों ने 21 मई को जाम की चेतावनी दी है, 21 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, तब अगर नहीं खुला तब तक तो फिर जाम की स्थिति बनेगी, ये लोगों ने चेता दिया है। 2 साल कोविड ने हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार छीन लिया। सोचा था इस बार अच्छी यात्रा चली थी, सभी के चेहरे पे खुशी की लहर थी, लेकिन आज जो यहाँ पे सड़क टूटी है उसके कारण सबके चेहरे पे मायूसी छाई है। आप देख सकते हो जो वदकाशी विद्यापीठ चुन्नी के रास्ते सड़क बनी है तो वहाँ से टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहे। जब यहाँ सड़क अच्छी थी तो गवर्नमेंट के द्वारा वन वे किया गया, लेकिन अब जब सड़क टूट गई वहाँ से एक टूरिस्ट। केदारनाथ धाम में बुग्यालों पर बड़ी मात्रा में कचरा और प्लास्टिक बिखरा हुआ है, जिसकी सफाई के लिए अब 19 मई से अभियान शुरू होने जा रहा है। दरअसल बुग्यालों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं, मगर वो अपने साथ जाने वाले सामान को ले जाने वाले सामान को कहीं भी फेंक कर चले आते हैं। इस वजह से बुग्यालों पर भी संकट मंडरा रहा है, और बुग्याल जो कि अपने एकांत और अपनी शांति और अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहां पर ये कचरा किस तरीके से बिखरा है देखिए इन तस्वीर। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या बन चुका है, और देखिए नगर पालिका ने एक बार फिर से मुहिम छेड़ी है, जहां इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए बंदर पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। बंदर पकड़ने के लिए बाहर से टीम बुलाई जाएगी जो बंदरों को पकड़कर वन विभाग को सौंपेगी। बंदर उनका ऑपरेशन किया जाएगा, बध्याकरण जिनका किया जा सकेगा, ऐसे बंदरों की संख्या को हमारा स्टाफ भी सत्यापित करेगा, और जो डॉक्टर उनका बध्याकरण करेंगे वो भी उसको संख्या को सत्यापित करेंगे। उन पर 250 रुपया प्रति बंदर के हिसाब से हम उनको देने की बात हुई है। रानीखेत से खबर है, रानीखेत में चीड़ के पेड़ों के लीसे को लेकर वन विभाग खामोश है। यही वजह है कि नियमों को साथ पर रखकर लीसा ठेकेदार मनमानी लगातार कर रहे हैं। वहीं इस मनमानी में वन क्षेत्राधिकारी हरीश चमचा का कहना है कि जो ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर लीसा निकाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पौड़ी के कंडोलिया पार्क को पर्यटक और लोगों के लिए खोलने के बाद पार्क में फिर से रौनक दिखाई देने लगी है। कंडोलिया वन पंचायत में बना प्रदेश का ये पहला थीम पार्क है। दरअसल टेंडर प्रक्रिया पूरी ना होने और पार्क के हस्तांतरण ना होने की वजह से ये पार्क बंद था, लेकिन अब पार्क का संचालन फिर से शुरू होते ही पार्क पर्यटक और स्थानीय लोगों के पहुँचने से गुलजार दिखाई दे रहा है। इसे हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि जैसे पौड़ी एक ऐसा जगह है जो कि जहाँ पर भगवान के मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है, लोग जब यहाँ पर आए तो ये एक पार्क उनके लिए थीम अट्रैक्शन हो, साथ ही साथ बड़े हों चाहे छोटे हों वो सब लोग यहाँ आकर के एंजॉय कर सकें, अपना टाइम दे सकें। कंडोलिया ठाकुर जी का मंदिर है, पीछे मंदिर है भोले बाबा का, तो वो लोग जब आएँ जैसे रुकना चाहें, रुक करके कुछ खाना चाहें पीना चाहें तो यहाँ प्रॉपर आकर के पी सकते हैं, खा सकते हैं।
बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इस वजह से चारधाम यात्रा पर आई तीर्थ यात्रियों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जगह जगह जल भराव भी देखने को मिल रहा है। तो उत्तरकाशी के अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात का पानी भर जाता है और ये हर साल होता है। इस बार चारधाम की यात्रा चल रही है और ऐसे में आप समझिए जो चारधाम यात्री हैं उनको तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के लिए ये राहत वाली नहीं बल्कि अब आफत वाली बारिश बन रही है। सड़कों पर गड्ढे हैं और उन गड्ढों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। आम लोगों के साथ साथ जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं।